नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूपल की रसोई में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए तैयार करा है चॉकलेट कस्टर्ड। एक पैन में हमने लिया है 500 ml दूध, पहले से गर्म दूध है। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, जिसे मैंने इस तरह से पीसेस में काट के रखा है छोटे छोटे। चॉकलेट हमारी अच्छी तरह दूध में मेल्ट हो चुकी है और गैस की फ्लेम को हमें एकदम स्लो रखना है। 1/4 कप लिए मैंने कोको पाउडर और उसमें मैं 1/4 कप डालूंगी दूध और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसे। इसे भी हम दूध में डाल देते हैं कोको पाउडर को। स्लो फ्लेम पे हम इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 चम्मच लिया है हमने कस्टर्ड पाउडर, इसमें भी 1/4 कप हम दूध डालेंगे। इसे भी एकदम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। एक मिनट हो चुका है और हमने फ्लेम को एकदम स्लो रखा है। अब इसी में हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर के साथ ही मैं इसमें वैनिला एसेंस डालूंगी, 6-7 बूंद। उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ये गाढ़ा होने लगेगा, इसलिए आप इसे लगातार ही लइए जब तक ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हम इसे लगातार हिला रहे हैं। ये देखिए, नीचे से हल्का हल्का ये गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसे और पकाएंगे थोड़ा सा। 1/2 कप हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं चीनी के साथ भी। चीनी को अच्छी तरह हमने इसमें मिक्स कर दिया है और 1 मिनट के लिए हम फ्लेम तेज करेंगे और लगातार हिलाते हुए इसमें पकाएंगे। ये देखिए, अच्छा गाढ़ा होने लगा है। एक मिनट हो चुका है और हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हम इसे फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। 1/2 घंटे हमने इसे फ्रिज में रखा था, ये हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम इसे सेट कर लेते हैं। मोल्ड में हम बिस्किट सेट कर देते हैं, आप अपने मनपसंद कोई भी बिस्किट ले लीजिए। अब हम इस पे अपना चॉकलेट सिरप डालते हैं। अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं बिस्किट को सब तरफ से। ये देखिए, सेकेंड लेयर वापस हम बिस्किट की लगाएंगे अपनी। वापस से एक लेयर इसकी लगा लेते हैं। पूरा डाल देंगे हम इसके, इसके ऊपर हम चॉकलेट कुकीज जो भी हो है ऊपर की लेयर में हम चॉकलेट कुकी का यूज़ करेंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीस करके से हम सब तरफ डाल देंगे। ये देखिए, एक अच्छी सी मोटी लेयर हमने चॉकलेट बिस्किट के ऊपर लगा दी। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छी तरह सेट नहीं हो जाता। फ्रिज में हमने इसे 3-4 घंटे रखा और एकदम ठंडा हो चुका है। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।